आज शहजीन जो है उसकी माशाल्लाह हम तैयारियां कर रहे हैं कुछ, और बहुत सारी अम्माओं को गाइडलाइंस दे रहे हैं कि तैयारियां कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, हाथ पांव नहीं फुलाएं। आइए जी अंबर, अपनी एक्सपर्टीज संभालें, कपड़े कैसे बनाने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कितने भरे हुए कपड़े हों, कितने सादे हों, ये सारी चीजें, और मार्केट्स के नाम भी बता देना कहाँ क्या ज्यादा है, इनको सब पता है। मैं तो आपको एड्रेस भी बता दूंगी, इसने ये नहीं करनी है, एक दिन जाके इसके साथ जाके ना शॉपिंग कर लेना। नहीं, अंबर के पास जो ज्वेलरी की कलेक्शन है ना, ओहो कमाल कमाल। कल रात मैं कहा थोड़े से, खैर माशाल्लाह वाली भी शौक की बात है, मैं कहा आप थोड़ा फुल स्टॉप कर दो। नहीं, इसमें सलीका है, मैंने देखा जब भी मेरे शो पे आई है ये कुछ ऐसा कपड़ा बना लेती है और बड़े अच्छे बजट में कि हैरान कुन। तो इसके अंदर सिर्फ घर को अच्छा रखने का सलीका नहीं है, पहनने ओढ़ने का, शॉपिंग करने का सलीका भी। हाँ, और उनको संभाल के मैंने इन दोनों बहनों से सीखा, प्लास्टिक की थैलियों में कैसे चीजों में ज्वेलरी रखी हुई है। अल्लाह, मैं घर गई जूते ऐसे रखे हुए यूं करके जैसे लगता है रोज सफाई करती है जूतों की, इतनी चमकदार चीजें, तो मैं तो अंदर जाके देखा हुआ। ओके अच्छा भाई, चलिए सबसे पहले जाहिर सी बात है इसको हर किस्म के कपड़े चाहिए, हैवी भी चाहिए, फॉर्मल भी चाहिए। अगर गाइडलाइन दो, मतलब आपने भी अपनी बेटी की है शादी, कि कितने सारे हैवी होने चाहिए, मतलब अगर हैवी आए थे नॉर्मल, जहाँ दूल्हा वालों की साइड से अमूमन सब हैवी आते हैं, साड़ियाँ भी आती हैं हैवी, 11 देते हैं कुछ, 14 देते हैं कुछ लोग, 21, ठीक है ना, तो वो तकरीबन हैवी होते हैं। और अपनी साइड की डिपेंड करते हैं बेटी को कितना शौक हैवी कपड़े, तो आप बनाओ जरूर, अगर आपको रखना है आप 10 जोड़े हैवी बना के रख दो उनको, स्टिच नहीं, स्टिच आई थिंक एक दो करवाओ अपने, क्योंकि ससुराल वाले पहनो अपने रख दो, ताकि ससुराल वाले खुश भी हो जाएंगे ना, वो जो बन के सारे कपड़े पहनो उनके भरे, सासों को अच्छा भी लगता है कि चलो हमारे जोड़े पहने, वरना ये भी हमारी तरफ के जोड़े पहने नहीं गए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और बाकी फिर जो है ना, क्योंकि फैशन चेंज होता है, इकट्ठे जब जोड़े होते हैं ना, आज ये पहन ले, एक दफा पहनने के बाद ना फिर दिल नहीं चाहता, जाओ नहीं, नया होना चाहिए, तो इसलिए बजाय फिर कहने अब मुझे पैसे चाहिए, अब मुझे उस जगह नया, फिर आपकी शादियां आती हैं या फैमिली में आती है, तो तब एक एक जोड़ा करके निकालो, तो बनाओ लेकिन सिलवाना ज्यादा नहीं। ओके ठीक है, ये बहुत अच्छी टिप है कि बनवा के रख लें, उसको सिलवाना नहीं है, उस फैशन के हिसाब से सिलवाएं, अपने साइज के हिसाब से सिलवाएं, जो शादी करीब आ रही है या जो इवेंट करीब आ रहा है बड़ा, आप दर्जी से उसको उसी से पहले अपने साइज के हिसाब से सिलवाएं, दिल चाहे, वेरी गुड टिप। और थोड़ा सा अंदर हक भी देना चाहिए, अमूमन क्या होता है ओवरलॉक के अंदर ना, कपड़े के अंदर ओवरलॉक कर दिया, अब थोड़ा बहुत आप में चेंजेस भी आए, वजन बढ़े, तो इतना हक हो कि आप 1.5 इंच कम अज कम कर लो, ये होना चाहिए। सेकंड टिप, क्योंकि महंगे कपड़े आसानी से नहीं बनते, महंगे बनते हैं, तो जब आप कमाने जाओ तो पता चलता है, तो चीजें जाया ना जाए। अच्छा, महंगे कपड़े ये भी बता दो संभाल के कैसे रखे ना, मतलब काला हो जाता है काम, क्या टेक्निक है? अच्छा आप भी बताइएगा, मेरे ख्याल से आपको भी पता होगी टेक्निक। मैं बेस्ट समझती हूँ कि प्लास्टिक की थैलियाँ जो मिलती भी जिप वाली, या तो उसमें एक के अंदर 2-3 डाल दो थैलियाँ, नहीं वो जो जिपर्स होते हैं ना, जिपर्स वो प्लास्टिक के ही होते हैं। अगर जिपर्स नहीं भी हैं तो पतली थैलियाँ भी मिलती हैं, उसको ऊपर से काटो, हैंगर में डालो, ताकि कम जगह, जिस तरह ड्राई क्लीनर वाला देते हैं अभी, यस, ताकि उसमें, अच्छा हम लोग वो जाते हैं ना, वो जो कीड़े मारने की दवाई नेफ्थलीन बॉल्स, उससे उसमें आप ख्याल रखें। मैं भी बैठी हुई थी, कोई कबर्ड साफ कर रही थी, मैं कहा बाद मेरे इतने जो मैंने तय करके रखे थे ना आम पहने कपड़े, वो कभी कभी पिघल जाती है नेफ्थलीन बॉल, जब वो पिघलती हैं तो कुछ कपड़े के पूरे स्टेन्स हो गए जो नहीं हट रहे, तो बी केयरफुल कि हम, मैंने यूं डाल दी थी ताकि ना कभी कीड़े ना हो या बदबू ना आए सीलन की, तो उससे कई कपड़े खराब होते हैं, तो अपने कपड़ों को डालो भी ना तो आई थिंक थोड़ा सा थैली में करके ऊपर से खोल दो ताकि वो खुशबू रहे उसकी, यूं नहीं फेंकना चाहिए, नंबर वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ जो है थैली में रखो, बाकी कपड़े तुम कर सकते हो, आई थिंक प्लास्टिक इज द बेस्ट, डायमंडीज की लेसें होती हैं, वो आपकी प्रिजर्व रहती हैं, काम काला नहीं पड़ता, और परफ्यूम से बचाओ कपड़े, तो उसका बेस्ट है कि अपने स्किन पे बॉडी ऑयल्स होते हैं जो ऑयल वाले, खुशबू आती है उसमें, आप वो भी ख्याल रखो, अगर इमिटेशन ज्वेलरी है तो फिर यहाँ नहीं, क्योंकि वो जब लगता है तो काली होती है। एक और इस तरह की टिप है कि बहुत सारी परफ्यूम क्रीम्स आती है, आप कपड़े पहनने से पहले उसे लाइक अपने अंडर आर्म्स और यहाँ हाथों पे लगा लेंगे
तो आपको परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है। परफ्यूम जो वो आती है स्पेशली सईद गनी की जो होती है ना, हाँ, बॉडी ऑयल्स, ऑयल्स, परफ्यूम के क्या आपकी आपका काम काला नहीं हुआ, बेहतरीन, हाँ, ठीक है ना, ठीक तो है। ये कर लिया। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि अगर साड़ियों से चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। साड़ियाँ इधर जो है, अब ये जैसे साड़ी है, सही हाँ। हैवी साड़ी है, अब ये देखना भी पड़ता है कि अगर लड़की की, अब ये दुबली पतली सी हाँ, है, हाँ। ये कैरी कर सकती है, हाँ। ठीक है, उसके अंदर कुछ आप स्टाइल दे सकते हैं, ये ऑर्गेंजा है, ऑर्गेंजा हल्का फूला फूला भी लगता है तो प्यारी लगेगी कि दुबली पतली है और बैलेंस लगेगा ना। अच्छा, इसके अंदर ये भी कर सकती है कि एक ब्लाउज बना ले, वो जो नहीं होता उल्टी, क्या बोलते हैं, उल्टी साड़ी जो पहनते हैं, गुजराती स्टाइल जो साड़ी कहलाती है, जिसको आपने ब्लाउज बनाया, ये तुमने टाइट प्लीट्स को करके। अच्छा, एक और बात बताओ, हर लड़की को साड़ी बांधने नहीं आती, साड़ी सिलवा ले या क्या, स्टिच करवा। मैंने मैंने जो है ना, आती मुझे साड़ी बांधना, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार बांधो, प्लीज करो, और हमेशा मैं इस सुस्ती में फिर हम पहनते ही नहीं है, हाँ, कौन। मैंने साड़ी तकरीबन काफी जितनी नई साड़ी ना, सबको स्टिच कर, पल्लू आप पहले निकाल लो, हाँ। स्टिच कर, कुछ पेटीकोट लिया और ये और हुक डाला, That is very easy. शादी के बाद साड़ियाँ बड़ी इस्तेमाल होती हैं वो। अच्छा, मैं तो अभी भी पहनती हूँ। पता, ये जो गुजराती स्टाइल है ना, हाँ। प्लीट्स जैसी ऑर्गेंजा, इसको टाइट प्रेस करके वो करवा लो इस्त्री, और फिर हाँ। जब भी तय भी करो तो उसको प्रेस करके ही दो बड़े टाके डाल दो, या उसको ताकि वो वैसे ही रहे, वैसे ही। और फिर तुम ब्लाउज लंबा करके पीछे से भी, जिसका पल्लू अच्छा हो ना, हाँ, वो प्लेन ब्लाउज जो साड़ियाँ, तकरीबन आपको क्या लगता है कितनी रख लें, जैसे यार साड़ियाँ ज्यादातर जो है ना, अमूमन कितनी रख, 4-5 भी रख लो बाद में साड़ियों का, क्योंकि लड़कियां कम पहनती है। अगर तुम्हें शौक है तो प्लेन साड़ियाँ पहन सकती हो, उनका फैशन कभी, साड़ी का फैशन नहीं जाता, हमेशा इन रहता है। जैसे पर्सनली मुझे सिल्क की हो गई या शिफोन की साड़ियाँ, आजकल जैसे बहुत अच्छी फ्लोरल साड़ियाँ आ रही है ऑर्गेंजा मटेरियल पे, वो तो बहुत प्यारी लगती है, इसकी बड़ी अच्छी लगती है। मेरे पास साड़ी ब्लॉक प्रिंट की ना, बिल्कुल उसके पल्लू पे तो स्मार्ट लगता है, बहुत अच्छा। अच्छा, वैरायटी हो, देखिए एक सर्टन जो लड़कियां हैं उनको काम वाली साड़ियां पसंद है, बहुत लड़कियों को जैसे ये कह रही है कि मुझे सैटन की, इसको इतनी काम फ्लोरल, वो इसको इतनी काम वाली नहीं पसंद, तो वो पसंद भी बहुत मायने रखती है कि वो उसकी चॉइस क्या है। तो सारी काम वाली जो है ना, वो फिर जाया हो जाएंगी, बच्ची पहनेगी नहीं, अम्मा बना के दे अपने शौक से, चलो चलो ये मेरा ख्याल से जो बच्ची है ना, हम लोग इस टाइप की नहीं पहनते, ये जो बनारसी टाइप है ना, ज्यादा नहीं पहनी जाती, ठीक है, लेकिन ये होता है कि रख देती, कभी कभार इसके जोड़े बन जाते हैं। अच्छा, साड़ी बनारसी फिर ये फिर भी हजम हो जाती है, छोटे फूलों वाली प्लेन उसके, लेकिन जो ये वाली जो है ना मोटी, ये इस टाइप की बच्चियां नहीं, ये तो वो पैक में आती है और फिर उसी पैक में किसी और को चली जाती है। यू आर राइट, बिल्कुल। लेकिन कभी गिफ्ट्स भी होता है ना, तो रख लो बाद में इसकी, अब तुम सलवार कमीज बनाओ या इस टाइप का जैसे घाघरा पहना है, कितना स्मार्ट लगेगा, तो जाया कुछ नहीं जाता, जाया कुछ नहीं जाता, ठीक है। वैरायटी होनी चाहिए आपके पास। अब ये जैसे ये स्टाइप की ना, ये आई थिंक आजकल की जो लड़की है ना, वो जरा कम पहनती है, वो प्लेन ज्यादा पहनती है, ये काम इतना काम वाला नहीं है, ये यंग लड़कियां नहीं पहनेंगी, वो बहुत है पल्लू पे काम होगा और हल्का सा उस पे ज्वेलरी पे ज्यादा। मैं ब्लैक वाली दिखाना, ब्लैक वाली मतलब लाइक इस पे बाकायदा होनी, कुर्तवा मार्केट जाके काम कराया वो वाली, ये तो बहुत हैवी है ना, ये हैवी। अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसे मेरी अम्मी ने वलीमे में अपनी साड़ी पहनी थी, तो बहुत सारे लोग दूसरों की जो होती है, जैसे नंद की हो रही है, देवर की हो रही है, ये भी तो होता है ना घर में, फिर तो वो हैवी साड़ीज बहुत यूज होती है। आई रिमेम्बर माय मदर वोर वलीमे पे अपने साड़ी, और वो साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी है, आई थिंक मैंने उसको 4 या 5 शादियों पे यूटिलाइज किया है, लाइक लिटरली शादियों पे यूटिलाइज किया, इट्स अ फुल सीक्वेंस साड़ी, बहुत अच्छी वो वाली, मजा आता है। आप मॉडर्न भी लगती है सीक्वेंस साड़ी पे, ब्लाउज पे काम करवा लें, प्लेन साड़ी भी रखें, चोकर पहन लो, मतलब थोड़ा स्टाइलिश। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर, चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज खेल या हो मजाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल की खबरें हो या हो ड्रामे और फिल्मों के रिव्यूज, अपने स्मार्टफोन से अभी डाउनलोड कीजिए ARY डिजिटल की ऐप और रखिए अपने आप को एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर।
ARY डिजिटल पर आहे राज देखने और अपने पसंदीदा नए और पुराने ड्रामों से लुत्फंदोज होने के लिए अभी विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट वेबसाइट www.arydigital.tv। इन सब के अलावा फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, ट्विटर हो या टिकटॉक, ARY बिखेर रहा है हर रंग खुशियों के।